नमस्कार, निरंकारी गुरु बाबा हरदेव सिंह जी की मौत को लेकर के एक एपिसोड हमने आपको दिखाया है द फ्रंट पे। मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। उस एपिसोड में बाबा हरदेव सिंह जी की मौत को लेकर जितने भी सवाल हो सकते थे उन सवालों को हमने बारी बारी से रखा था। आज से हम एक नए सिलसिले की शुरुआत कर रहे हैं। सिलसिला ये है कि बाबा जी की मौत से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं बारी बारी से हम उन सवालों को आपके सामने रखेंगे, यानी एक सवाल एक दिन। उससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उन बातों को हम आपके सामने लाएंगे और उनकी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। क्या वहां से जो संदेह अनुराग तन्हा जैसे लोग जो बाबा जी के अनुयायियों में आते हैं, इनकी तरह के हजारों लोग हैं जो बाबा जी की मौत का सच जानना चाहते हैं, वह आखिर है क्या। आज कार एक्सीडेंट, सिर्फ कार एक्सीडेंट, मई 2016 में मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में जगह है वहां जाते समय रोड एक्सीडेंट होता है और उसमें बाबा हरदेव सिंह जी की मौत हो जाती है। जिस कैडिलैक कार से वो सफर कर रहे थे उस कार की तस्वीर एक्सीडेंट के बाद की अब आपके सामने है। बाईं तरफ से कार बैडली डैमेज, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है और आप देखेंगे कि इसका बॉनेट उठा हुआ है और पीछे का एक चक्का आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ऊपर जो छत है वो हल्की फुली हुई है, उठी हुई है, लेकिन वो उतनी क्षतिग्रस्त नहीं है जितनी बाईं तरफ की है। अब कहा यह जाता है कि कार में बाबा जी पीछे बैठे हुए थे, उनके छोटे वाले दामाद भी उनके साथ पीछे थे, उनके बड़े वाले दामाद और उनके दोस्त आगे थे। बड़ा वाला जो दामाद है सनी खिंडा वो कार उस समय ड्राइव कर रहा था। जब कार एक्सीडेंट कर गई उस समय बाबा जी और उनके छोटे वाले दामाद रफ्तार की वजह से, कार की रफ्तार की वजह से खिड़कियों से बाहर निकल गए या फिंक गए, आप ये कह सकते हैं इजेक्ट हो गए, और कार के भीतर दो लोग रह गए, सनी खिंडा और उनके दोस्त विवेक शर्मा। कार से जब दो लोग बाहर निकले उन दो लोगों की मौत हो गई। बाबा हरदेव सिंह जी के शरीर पर बहुत सारे जख्म थे, बहुत सारे कट्स थे और उनकी बहुत सारी हड्डियां टूटी हुई थी, सिर के पीछे गहरा जख्म था। उनके छोटे वाले दामाद का भी हाल बुरा था और उनका भी निधन जो हुआ या मौत जो हुई वो कुछ दिनों के बाद हुई। अस्पताल में दाखिल रहे कुछ दिनों तक, वेंटिलेटर पर थे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया गया और उसके बाद उनकी भी मौत हो गई। अब हम आते हैं कि यह जो कार आपको दिख रही है और कार जिस तरह से हादसे का शिकार हुई, इसमें जो दो लोग अंदर बैठे हुए थे वो दो लोग कैसे बाहर निकले होंगे और जो दो लोग अंदर रह गए थे वह कैसे, उनको चोट नहीं आई होगी, उनको खरोंच नहीं आई होगी। सच यही है, इस हादसे से तीन बातें हैं, दो लोग जो पीछे थे वो नहीं बचे, दो लोग जो आगे थे उनको खरोंच तक नहीं आई, और कार जिस तरीके से आपको दिख रही है वह कार क्या वाकई 4-5-10 गुलाटियां खाने के बाद की हालत में है या फिर वो एक ही तरफ से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। अनुराग तन्हा जैसे लोग जो सवाल करते हैं इनके सवालों को समझना बहुत जरूरी है। अनुराग जी, आप लोग इस एक्सीडेंट को लेकर के क्या क्या कहते रहे हैं और कौन कौन सा कारण देते रहे हैं अपनी बात के पीछे कि यह हादसा नहीं है, ये एक साजिश है, एक कॉन्स्पिरेसी है। देखिए, एक्सीडेंट को ही देखें, गाड़ी को ही देखें तो अपने आप में साफ जाहिर हो जाता है कि ये 6 पलटियाँ खाने वाली गाड़ी नहीं है। मैं इसमें देख रहा हूँ कि जो उसमें रिपोर्ट में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने लिखवा आया गया है कि ये गाड़ी राइट प्रोनाउंस्ड गई अनजान कारणों से और अनजान कारणों से लेफ्ट को आई। ये दो जो मोड़े गए ये इंस्टेंट मोड़ हो सकते हैं कि गाड़ी को उलटाने की कोशिश। गाड़ी वजनदार थी, पलटी खाना इतना आसान नहीं है 110 की स्पीड पे, 110 की स्पीड पे। रोड के बारे में पुलिस कह रही है कि रोड में कोई कारण नहीं था इसका एक्सीडेंट का, कार कोई मैकेनिकल उसमें फॉल्ट नहीं था और कोई कारण नहीं बता रहा है सिवाय इसके कि एक ह्यूमन बीइंग का फॉल्ट है। ह्यूमन बीइंग का फॉल्ट जो कहा जा रहा है, सन्नी खिंडा कोई भांग के नशे में गाड़ी नहीं चला रहा था, यह झूठ है। सन्नी खिंडा गाड़ी चला ही नहीं रहा था, ह्यूमन बीइंग का जिक्र किया है उस रिपोर्ट में कि ह्यूमन बीइंग ही कारण है इस एक्सीडेंट का। और वो कारण, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस एक्सीडेंट को एक्सीडेंट दिखाने के लिए किसी ऐसे आदमी को स्टीयरिंग दिया गया जो स्टंटबाज था। जी हाँ, स्टंट से इस कार को इस तरह के डैमेज करके दिखाया कि अब काम आपका जो है वो हो गया। मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ, ये प्री प्लान्ड था, साजिशन था और इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। आप देखिए राणा जी, जब गाड़ी लेफ्ट में व्हील्स इजेक्ट हो गए
तो फिर वो कैसे छह पलटियां खाने के लिए, रोल करने के लिए कैसे भागी है? ये एक्सपर्ट्स बता सकते हैं कि अगर दोनों चक्के पीछे के कार के निकल गए हैं, उसके बाद पलटियां कार खा रही, तो हो सकता है कहीं जाकर के वो ठहर जाएगी, जम जाएगी, वो इस तरह से बार बार पलटी खाते हुए आगे तक नहीं जाएगी, और इतना नुकसान कार को शायद नहीं होना चाहिए जितना नुकसान दिख रहा है। यानी 110 की स्पीड में चलने वाली कैडिलैक जैसी भारी भरकम मजबूत कार इस तरीके से डैमेज हो जाए, यह मानना आसान नहीं है। एक्सपर्ट्स जो भी होंगे उनकी राय में लेने की कोशिश करूंगा और आपके सामने उनकी राय भी रखूंगा। दरअसल मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि पत्रकार होने के नाते इन लोगों का जो सवाल है, इनके जो संदेह हैं वो, और कार एक्सीडेंट को लेकर के जो सवाल मिल रहे हैं, और इस हादसे के बाद जो कहा गया कि हादसे के कारण बाबा जी की मौत हो गई या इसी हादसे में बाबा जी की मौत हो गई, क्या ये वाकई हादसा था या फिर बाबा जी की मौत जिन कारणों से हुई वो कारण कुछ अलग थे, एक्सीडेंट कुछ अलग तरीके से कराया गया, एक्सीडेंट अलग है, बाबा जी की मौत अलग है, बाबा जी को मारा गया या फिर उनकी हत्या की गई, एक्सीडेंट दिखाया गया ताकि उस हत्या को इस एक्सीडेंट के साथ जोड़ा जाए। तो ये जो तीन बुनियादी सवाल हैं, कार एक्सीडेंट क्या अलग से हुआ, इस एक्सीडेंट में बाबा जी और उनके छोटे वाले दामाद की मौत नहीं हो सकती है, या इस गाड़ी में जो दो लोग चल रहे थे अगर वो लोग अंदर रह गए थे तो उनको कोई नुकसान ना हो, कोई चोट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा मामला ये है कि बाबा जी को जो चोटें लगी उनके छोटे वाले दामाद को लगी, वो 110 की रफ्तार में चलने वाली कैडिलैक कार में सफर कर रहे, दो लोग अगर गाड़ी के अंदर से बाहर इजेक्ट हो जाते हैं तो उनको उतनी चोटें आनी चाहिए थी। और तीसरा सवाल यह है कि अगर इस कार का एक्सीडेंट हुआ है और इसी कार एक्सीडेंट में बाबा हरदेव सिंह जी की मौत या निधन हुआ, तो फिर इस एक्सीडेंट के पूरे पोस्टमार्टम की जरूरत महसूस की जाती है इन लोगों की तरफ से कि क्या वाकई यह वही एक्सीडेंट है जिसमें उनका निधन हुआ या जिसमें वो हादसे का शिकार हुआ, या फिर कोई और बात है जिसकी तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं। बतौर पत्रकार मेरा काम सिर्फ इतना है कि जो बातें मेल नहीं खाती हैं उन बातों के मेल ना खाने की वजह से जो सवाल संदेह खड़ा हो रहे हैं वो हम आपके सामने रखें। उन सवालों को लेकर के जो वाजिब देश के जाने माने एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाऊं और ये समझने की कोशिश करूं कि क्या ये सवाल जो हैं इनका जवाब आपके पास है। अगर वो जवाब भी कुछ सवाल करते हैं तो फिर वो क्या सवाल हो सकते हैं। यानी कि मैं रोज़ाना एक जो बुनियादी सवाल है इस एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ वो आपके सामने रखूंगा, उससे जो भी बातें वास्ता रखती हैं, जो सुराग सबूत उससे नाता रखते हैं उनको भी रखूंगा। हमारी कोशिश ये है कि देश के एक बहुत बड़े संत की मौत अगर किसी रोड एक्सीडेंट में होती है और फिर उनकी बहुत बड़ी तादाद अनुयायियों की मानती है कि ऐसा नहीं है, ये दरअसल एक हत्या है, तो फिर सच लाना सामने हमारा काम है। इसके लिए हम रोजाना वो सबूत, वो सुराग, वो दस्तावेज, वो फोटोग्राफ्स जमा कर रहे हैं जिनके जरिए हम सच तक पहुंच पाए। अनुराग तन्हा जैसे लोग भी इसमें शामिल हैं और हमारा प्रयास ये है कि जो बाबा जी का परिवार है, जो उनका उत्तराधिकार लिए हुए है, जिसके पास बाबा जी के अनुयायियों की करोड़ों की तादाद है और वह लोग मानते हैं कि नहीं बाबा जी उसी कार एक्सीडेंट का शिकार हुए, उस पर इन लोगों के सवाल संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बनती, ये बेबुनियाद बातें हैं, बेकार की बातें हैं, तो फिर उन लोगों को भी जवाब देना चाहिए। जो सवाल उठ रहे हैं, जो संदेह है, उन सवालों संदेहों को दूर करने का काम बल्कि फ़र्ज उन लोगों का बनता है। और मैंने कई बार कोशिश की है कि उन लोगों संपर्क हो, वो जवाब दें, लेकिन जवाब मिलता नहीं है, संपर्क होता नहीं है। तो लाजमी है कि अब आप लोग जो कुछ भी कह रहे हैं, जो सुराग सबूत लाते हैं और जो कुछ भी पहले से चीज़ें पड़ी हैं, इन बातों को एक साथ जोड़ करके और फिर दुनिया के सामने रखना और बाबा जी की मौत का सच जानना, अगर वो सच नहीं है जो अभी तक दुनिया जानती रही है, तो हमारा काम है। आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं? अगले दिन ठीक 40 घंटे बाद आप ये फोटो देखेंगे, आपको मिल जाएगी, जिसमें बाबा जी का शव लोगों के दर्शनों के लिए मॉन्ट्रियल में रखा गया। लोग आए थे इंग्लैंड से, अमेरिका से, हर जगह से रो रहे थे। बाबा जी के चेहरे का मेकअप कर रखा था, से जो भरने वाला
वो क्ले होता है, क्ले से सारा मेकअप करके जबड़ा टूटा हुआ था उसको बना रखा था, और बाकी बॉडी किसी को देखने को नहीं मिली थी। वहाँ जरा ध्यान से देखिए कि सन्नी खिंडा खड़ा है आराम से चेहरे पे शांति लिए, और उसके चेहरे पे ना शिकन है ना कोई खरोंच है, छह पलटियाँ खाने वाले आदमी के कोई एक हल्का सा भी निशान नहीं है। सच ये है कि वो जिस वक्त बाबा जी की हत्या हुई है वो ना गाड़ी चला रहा था ना गाड़ी में था। बाबा जी को गाड़ी से मेरी नज़रों में राणा जी बाहर खींच करके लोगों ने मारा है एक साजिश के तहत। हैरानी की बात यह है इसमें बाहर का कोई आदमी शामिल नहीं है यार। आगे जो कार जा रही थी सुरजीत तरनेजा और उनका बेटा गुरमीत तरनेजा वो एस्कॉर्ट कर रही थी, दोनों माता सविंदर कौर के रिश्तेदार हैं। और एक बात और, जब ये मॉन्ट्रियल जा रहे थे जिस सत्संग के लिए, मॉन्ट्रियल वालों की शिकायत थी कि बाबा जी हमारे यहां आ रहे थे तो हमें बताया क्यों नहीं। मॉन्ट्रियल वालों को पता ही नहीं था कि बाबा जी वहां जा रहे हैं। हम अभी उस पर नहीं जाते हैं, हो सकता है कि मॉन्ट्रियल वालों को पता नहीं, उन्होंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है। दिल्ली से जा रहे हैं तो यहाँ के लोगों को पता नहीं, न्यूयॉर्क के लोगों को पता नहीं। हो सकता है कि अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए आदमी कहीं जा रहा हो तो चाहता नहीं हो कि दुनिया के संपर्क में आए, लोग आकर उसे परेशान करें। यह बातें समझ में आती हैं, लेकिन कुछ बातें जो समझ में नहीं आती हैं वो सब असामान्य हैं। कैडिलैक कार 110 की रफ्तार से चल रही हो और इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाए, डैमेज हो जाए, असामान्य है। कार के भीतर दो लोग इजेक्ट हो जाए, दोनों लोग एक ही तरह से हादसे का शिकार हो जाए, उनकी मौत हो जाए, असामान्य है। कार के भीतर जो दो लोग रह गए वो बच जाए, उनको खरोंच तक ना आए, असामान्य है। इसलिए कई असामान्य बातों के एक साथ आ जाने की वजह से इसको टटोलना, जानना, परखना हमारा फर्ज बनता है, और इस पूरे मामले को सच तक लाने और सच तक पहुंचाने का काम हम तब तक करेंगे जब तक या तो जो सच है आज की तारीख में मानते हैं वही सच मान लिया जाए, या फिर कोई दूसरा सच है जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया वो सामने आ न जाए। हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। नमस्कार।